हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आप एक न्यू क्रिएटर से और आपने एक नया चैनल ओपन किया है, तो दोस्तों लोग जब नया चैनल ओपन करते हैं तो साथ ही साथ लोगों का चिंता ये होना शुरू होता है कि 4000 घंटा वॉच टाइम कैसे कम्प्लीट करना है और 1000 सब्सक्राइब कैसे कम्प्लीट करना है। तो दोस्तों, ये तो बड़ी आसानी से कम्प्लीट होता है, तो आप सवाल करते हैं कि यह कैसे पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, आप अगर यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब पर आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसे रखना है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करना और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, ये बड़ी आसानी से आप कर सकते। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पास पैसा है और आप किसी पेड प्रमोशन से आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, तो आपका ये लॉस ही लॉस होगा। और दोस्तों, अगर आपने 4000 वर्स्ट टाइम कंप्लीट किया है पैसा की वजह से, तो आपका ये लॉस ही लॉस होगा। जैसे कि दोस्तों, अगर मान के चलिए कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है, उसके बाद दोस्तों मोनेटाइजेशन होने के बाद अगर आपका वीडियो लोग नहीं देखते हैं, तो आप मोनेटाइजेशन क्यों किया है? ये मेरा सवाल है आपसे, आपने मोनेटाइजेशन क्यों किया है? दोस्तों, मोनेटाइजेशन का मतलब यह होता है कि मोनेटाइजेशन होने के बाद दोस्तों, जितना लोग यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करते हैं, यानी कि उसके बाद अर्निंग होना शुरू हुआ। तो दोस्तों, अगर आपने मान के चलिए आप पैसा की गर्मी से आपका चैनल मोनेटाइज करवा लिया है और उसके बाद आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मोनेटाइजेशन का क्या फ़ायदा है? मोनेटाइजेशन आपने कर लिया है, उसके बाद व्यूज़ नहीं आ रहे आपके वीडियो पर, तो आपका तो अर्निंग नहीं होता है, तो आपका मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता? तो इससे पहले दोस्तों, आपको यह सोचना होता है कि मोनेटाइजेशन आपको रियल तरीके से यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करना है, तो रियल तरीके से आप कैसे मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों मैं आपको टाइम देता हूँ कि अगर मेरी बात के ऊपर यकीन मानिएगा, तो आप 1 मंथ यानी कि एक महीने से लेकर 2 महीने के अंदर आपका चैनल आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। तो आप सवाल करते हैं कि भाई ये क्या ट्रिक्स देने वाले हैं आप? मैं ऐसा कोई ट्रिक्स आपको नहीं देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर आप जुनून होना चाहिए, आपका अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैं एक यूट्यूबर बनना है, उसके बाद दोस्तों आप ये काम हासिल कर सकते। अगर दोस्तों आप यूट्यूबर नहीं बनना है और आपका ब्रांड बनाना है, या आप कुछ 10 या 15 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसके बाद आप सोचते हैं कि मैं एक यूट्यूबर बनना है, तो आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर बनना है, तो लगभग दोस्तों आपको 6 महीने से 1 साल तो आपको इंतज़ार करना होता है, और उससे पहले दोस्तों आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना होता है। दोस्तों, मेरा तो एक चैनल ऑलरेडी मोनेटाइजेशन है और उस चैनल से मैं अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैंने जो ये चैनल ग्रो किया है और मेरा वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है, दोस्तों अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरा चैनल की लिंक मिल जाएगा, जाके आप ये चैनल विजिट कर सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जब ये चैनल ग्रो किया है, तो उस टाइम मुझे पता चला है कि एक चैनल ग्रो करने में कितना दिक्कत होता है, कितना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, मेरा गांव में, मेरा पड़ोसी में ऐसा कोई नहीं है कि यूट्यूबर के शायद मुझे ज़रा सा भी मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, मेरा ज्ञान से मैं खुद ये चैनल ग्रो किया है और उसके बाद आज मुझे अच्छा खासा पैसा भी आन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि YouTube पर बहुत इससे पैसा मिलता है, काफ़ी सारे YouTube से पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि सबसे पहले YouTube चैनल मोनेटाइज करना काफ़ी दिक्कत होता है। इसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि थोड़ा सा टाइम इंतज़ार करना है। और दोस्तों, अब बात यह आती है कि आप 4000 वर्स्ट टाइम कैसे कंप्लीट करना है और साथ ही साथ 1000 सब्सक्राइब कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, मैंने पहले कहा है कि बिल्कुल आसान है, तो आसान कैसे है कि दोस्तों, आपको यूट्यूब पर फोकस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आप यूट्यूब पर एक यूनिक कंटेंट क्रिएट करना होता है और YouTube के रिलेटेड जितना वीडियो चाहिए इस चैनल के ऊपर जरूर वीडियो मिल जाए। जैसे कि दोस्तों, फर्स्ट टाइम आपका एक थंबनेल अच्छा होना चाहिए, सेकंड आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, थर्ड आपका वीडियो के टाइटल अच्छा होना चाहिए, फोर्थ आपका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ये अच्छा होना चाहिए, और फिफ्थ जो है आपका टैग अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर एक वीडियो आपका वायरल हो जाता है ना, तो आपका 1000 क्या है, यहाँ पर 7000 तक सब्सक्राइबर आपको मिल जाता है, और यहाँ पर 4000 क्या है, यहाँ पर 40000
वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इस तरह मैंने मेरा जो पुराना चैनल है इस तरह मैंने ग्रो किया है और उसके बाद मोनेटाइजेशन किया है। दोस्तों यहाँ पर आप अगर आपके पास पैसा है तो भी आप ये काम बिल्कुल ना करें कि अगर पैसा से आप सब्सक्राइबर खरीदा है या पैसा से आपने वॉच टाइम कंप्लीट किया है तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। दोस्तों लोग ये मतलब बिल्कुल पहले समझते नहीं है कि पैसा से 1000 सब्सक्राइबर खरीदना है और 4000 घंटा खरीदना है, ये बिल्कुल बेकार होता है। इसलिए दोस्तों आप YouTube चैनल मोनेटाइज क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि YouTube चैनल से पैसा कमाना चाहते हैं ना। तो मोनेटाइज अगर मान के चलिए आपने पैसा से मोनेटाइजेशन किया है और उसके बाद मोनेटाइजेशन तो आपका चैनल हो गया है, उसके बाद जो पैसा से आपने मोनेटाइजेशन किया है ये लोग तो आपका वीडियो नहीं देखते हैं क्योंकि आप पैसा से खरीदा है। तो इसके बाद अगर दोस्तों आपके पास जेन्युइन ऑडियंस नहीं होता है तो वीडियो अपलोड करने के बाद आपका वीडियो कोई नहीं देखता है तो आपका अर्निंग कहाँ से हो? तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आपके पास पैसा है तो भी आप ये चीज़ बिल्कुल ना करें, तब क्या होता है, अच्छा होता है। दोस्तों अगर आप रियल ऑडियंस से आपका चैनल ग्रो होता है तो आप आज भी पैसा कमा सकते हैं और फ्यूचर में भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होता है। और दोस्तों और भी एक ऑप्शन है कि साफ पर साफ, दोस्तों ये गलत काम मत कीजिए। और दोस्तों और भी एक है कि जो कि नया यूट्यूबर जब होता है तो दिमाग में एक ही चिंता होता है कि 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इसके लिए मतलब कुछ भी कर सकता है लोग, क्योंकि लोगों का दिमाग में एक ही चिंता है कि 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मेरे पास सेम प्रॉब्लम था कि मैंने ऐसे मतलब टेंशन क्या है कि 4000 घंटा कैसे कंप्लीट करना है, 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करना है, लेकिन मैंने गलत कोई काम नहीं किया है। जैसे कि मेरे पास पैसा है और मैंने 1000 सब्सक्राइबर खरीद लिया है, मेरे पास पैसा है, मैंने 4000 वर्स्ट टाइम कंप्लीट किया है, ऐसा मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। साफ पर साफ ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। दोस्तों और भी एक ऑप्शन है कि जैसे कि दोस्तों ऐसे बहुत लोग करते हैं कि खुद का चैनल पर खुद का वीडियो खुद ही देखते हैं, तो ये गलत काम बिल्कुल नहीं कर। दोस्तों अगर आप 10, 15 या 20 वीडियो अपलोड कर चुका है और आपने ऐसा काम किया है तो आज से ये काम बिल्कुल बंद कीजिए। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों अगर आप मतलब थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग ये सारे चीज कंप्लीट करके और एक यूनिक कंटेंट अपलोड अगर आप करते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका चैनल कंप्लीट मोनेटाइजेशन हो जाएगी। दोस्तों अगर मोनेटाइजेशन नहीं होता है, दोस्तों मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस तरह एक दिन तकलीफ किया है मेरे चैनल ग्रो करने के लिए। और उसके बाद दोस्तों मैं यूट्यूब पर बहुत ऐसे वीडियो देखता हूं कि बड़ा बड़ा जो यूट्यूबर होते हैं ना तो किस तरह एक नया चैनल ग्रो करना है इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करते। दोस्तों जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर होते हैं कैसे गाड़ी खरीदा है, कैसे ट्राइपॉड खरीदा है, कैसे आईफोन मोबाइल खरीदा है, कैसे लैपटॉप खरीदा है, कैसे कंप्यूटर खरीदा है, कैसे मतलब टावर जो है स्टूडियो टावर कहते हैं कैसे ये बनाया है, इसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो नया क्रिएटर्स है उनको आगे कैसे लेकर जाना है इसी के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करते। इसलिए दोस्तों मैंने YouTube के रिलेटेड ये चैनल मैंने ओपन किया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर दोस्तों वीडियो पसंद नहीं लगता है तो आप बिना सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ज़बरदस्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं यूनिक कंटेंट इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। दोस्तों मेरा तो चैनल बिल्कुल नया है, मैं एक एक करके सारे के सारे ऊपर मतलब मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों YouTube पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। YouTube पर आपको जुनून होना चाहिए, आपका दिल के अंदर आपका एक जज्बा होना चाहिए, तब भी दोस्तों जाके आप यूट्यूबर बन सकते। दोस्तों यूट्यूबर 100 में से 2% यूट्यूबर बनता है और 98% फेल होता है। क्यों होता है कि यूट्यूबर बनने के लिए दोस्तों आपको कुछ टाइम इंतज़ार करना होता है, और लोग दोस्तों क्या चाहता है कि रातों रात आमिर बनना है, यानी कि एक दिन से यूट्यूबर बनना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों 100 में से 98% फेल होता है और 100 में से 2% लोग यूट्यूबर बनता है। और दोस्तों लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पास YouTube के रिलेटेड टैलेंट है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ कमी है। क्या कमी है आप बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हिंदी जो भाषा है भाषा की थोड़ा सा कमी है, इसीलिए मैं लोगों को अच्छा से समझा नहीं पाता हूँ। और दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही है।